हाँ तो देखिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिए 10th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और इसमें सबसे पहला चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा रहे हो? देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का दो रीजन है। एक पहला रीजन तो ये है कि बहुत बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे कहते हैं कि सर मुझसे आइडेंटिटी का सवाल नहीं बन रहा है, आइडेंटिटी के सवाल को बनाने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी बात कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये 10th क्लास के पहले आपने कभी नहीं सुना है, इसके बारे में आप नाम भी नहीं सुना ट्रिग्नोमेट्री का। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टार्टिंग है ना वो आपके 10th से ही होता है। ओके ठीक है ना, तो इसी वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। तो इस लेक्चर में मैं एकदम डिटेल में मतलब एकदम बेसिक लेवल से और एकदम अच्छे से आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझाऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। और ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो सिर्फ 10th लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, CBSE बोर्ड लेवल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को भी कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ाई करनी है, जो बच्चे चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एक्स्ट्रा बातें मतलब उनको पता हो, तो उसके लिए आपको मेरे 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेक्चर देख रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं इसमें एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा और बेसिक पर ही इसको लीड करूंगा। मतलब हम लोग 10th तक ही सीमित रहेंगे, इसमें 10th से आगे कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, समझ गया है, ठीक है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करूँ 9th-10th से ही, जिनका टारगेट होता है जे जो मेन्स एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा जिनका टारगेट जेई है वो कृपया करके मेरे 11th क्लास के लेक्चर को देखना स्टार्ट करें। आप हालांकि अभी तो अपलोड नहीं हुआ है बट धीरे धीरे मैं 11th क्लास के लेक्चर को अपलोड करूंगा, ठीक है ना। तो उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री भी डालूंगा, बेसिक मैथ भी डालूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिए, आरा समझ में, और आपको जितना चाहिए जिस लेवल का आप पढ़ाई करना चाहते हैं उस लेवल की पढ़ाई आपको वहां पे मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में मुझसे ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, मैं इस वीडियो में सिर्फ 10th लेवल का ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये 3 शब्द से बना हुआ है, ठीक है ना। कौन कौन है वर्ड? ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री, ठीक है ना। क्या क्या है? ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री। देखिए ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है ना। तो ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। मतलब और ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करा जाता है कि इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी ट्रायंगल के एंगल और साइड के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। अरसमन, तो बात कहां से स्टार्ट हो रहा है? ट्रायंगल से। अरसमन बात की स्टार्टिंग क्लास हो रही है ट्रायंगल से। मतलब इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग जो भी बातें करेंगे वो ट्रायंगल से रिलेटेड बातें करेंगे। अरसमन किससे बातें करेंगे? रिलेटेड ट्रायंगल से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। आपको पता है कि ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन होता है जो 3 साइड से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला बात नंबर 1 कि बच्चे जो है ना ट्रायंगल की नेमिंग में मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल की जो नेमिंग की जाती है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसका वर्टेक्स लिखना है तो ए बी सी, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है ना। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल ए के सामने वाले साइड लेंथ को हम लोग स्मॉल ए से दिखाते हैं। एंगल ए के सामने वाले साइड लेंथ को किससे दिखाते हैं? स्मॉल ए से। एंगल बी के सामने वाले साइड लेंथ को किससे दिखाते हैं? स्मॉल बी से दिखाते हैं। और एंगल सी के सामने वाले साइड लेंथ को स्मॉल सी से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला बात कि ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन क्या होता है? देखिए किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए कंडीशन होता है
कि कोई ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा जब उसके दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या बड़ा है। मतलब ट्रायंगल तभी बनेगा जब a plus b must be greater than c, जब a plus b c से बड़ा होगा तब जाके ट्रायंगल बनेगा। हालांकि इसका प्रूफ मैंने 9th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। जो बच्चे हमसे ज्योमेट्री पढ़े हैं उनको मैंने ये बात बताया है, दो साइड का सम तीसरे साइड से कैसे बड़ा होता है, इस चीज का प्रूफ मैंने दिया है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल तभी बनता है जब दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा। दूसरा पॉइंट नंबर दो होता है किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होना चाहिए, यानी मॉड बी माइनस ए इज लेस देन सी, ठीक है ना। मॉड बी माइनस ए इज लेस देन सी मतलब दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होना चाहिए। और ये भी थ्योरम मैंने आप लोगों को 9th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में प्रूफ कराया है, ठीक है ना। तो देखिए दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए और दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। बच्चे बोलेंगे सर ये मॉड क्या है। तो बच्चों आपको आगे जब 11th क्लास में पढ़ोगे आप उसका आपको मॉड के बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि मॉड एक ऐसा बॉक्स है जो निगेटिव नंबर को क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने मॉड क्यों लगाया, मॉड इस वजह से लगाया मुझे मैंने क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि बी और ए में कौन बड़ा है। मान लो अगर ए बड़ा हो गया बी छोटा है तो छोटे में से बड़े नंबर पर बड़ा होगा तो निगेटिव आएगा और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया ताकि ये क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए और कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री है आप लोगों को पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना बच्चों, 180 डिग्री। ये सब ज्योमेट्री की बातें हैं आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अच्छा चौथी बात पॉइंट नंबर फोर है, ये भी थ्योरम मैंने आप लोगों को प्रूफ कराया है, ठीक है ना, कि किसी ट्रायंगल में जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी देन वी कैन से दैट बी इज ग्रेटर देन सी। मतलब इसका मतलब क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल में बड़े वाले एंगल की सामने वाली साइड बड़ी होगी और छोटे वाले एंगल की सामने वाली साइड छोटी होगी। ये भी थ्योरम मैंने आप लोगों को 9th क्लास में प्रूफ कराया है। अब सुनिए ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब बेसिक बात है, ठीक है ना। हालांकि अभी आपके 10th लेवल में ये सब यूज तो नहीं आएगा, बट जब मैं 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये सारा कॉन्सेप्ट लगा करके भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, किसी ट्रायंगल में बड़े वाले एंगल की सामने वाली साइड बड़ी होती है और छोटे वाले एंगल की सामने वाली साइड छोटी होती है। अब देखिए बच्चों इस चैप्टर में जो हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में और हमारे 10th लेवल में जो बातें होंगी वो सिर्फ हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, राइट ट्रायंगल के बारे में। सारे बच्चों को पता होगा कि राइट ट्रायंगल क्या होता है। 10th क्लास में हम लोग सिर्फ राइट ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं, तो सबको पता होगा कि राइट ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो बच्चों, 90 डिग्री का हो, उस तरह के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। जैसे ये एक एबीसी ट्रायंगल है तो दिस इज अ राइट ट्रायंगल और ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री। अब सबको पता है देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है एच, सबको पता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। अब देखिए ये मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो गया, बेस। देखो बच्चों परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं रहता, हाइपोटेनस फिक्स रहता है, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल, ठीक है, और ये फिक्स होता है कि 90 के सामने वाला ही हाइपोटेनस होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये फिक्स नहीं होते, ये डिपेंड करते हैं एंगल पे कि हम किस एंगल को ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम एंगल सी को ले रहे हैं तो जिस एंगल को लेंगे उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर और बाकी बचा बेस। अगर मैं एंगल ए को लूंगा तो ये वाला होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, मतलब परपेंडिकुलर और बेस चेंज करते रहते हैं, ठीक। अच्छा दूसरी बात आप लोगों को एक थ्योरम पता होगा जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, सब लोग जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक बातें थी ट्रायंगल से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है ना, इसको आप पहले नोट करें। तो देखिए
अभी अभी मैंने आपको ट्रायंगल की कुछ बेसिक बातें बतलाई, ठीक है। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं बच्चों, कितने? छह। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि एक राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर ऑलवेज ये चेंज करता रहता है, फिक्स कौन होता है? हाइपोटेनस। अगर मान लीजिए मैं इस एंगल को ले रहा हूं, जैसे इस एंगल को मैंने थीटा से निकल दिया, देखिए ये थीटा जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, थीटा, इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा, थीटा, टी एच ई टी ए, किसी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, या फिर कहीं फाइ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो लिख के पेट फाड़ दो इसका, ये हो गया फाइ, ठीक है ना, या फिर हम लोग इसको अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है ना, इसको हम लोग बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा, और गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं गामा, ठीक है। तो ये सब ग्रीक वर्ड है बच्चों, ये सब क्या है? ग्रीक वर्ड है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी डी होते हैं, उसी तरह से ग्रीक अल्फाबेट में होता है अल्फा बीटा गामा फाई साई, ठीक है ना। तो ये सब आप आगे धीरे धीरे बढ़ोगे ना, 11th क्लास में 12th क्लास में आपको इन सब की नॉलेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए इस वाले एंगल को मैं ले रहा हूं, तो इसके सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर, और बाकी बचा क्या है? बेस। अगर उसी तरह से मान लीजिए मैं एंगल को चेंज कर दूं, जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल, और अब मैं कर क्या रहा हूं, इस एबीसी ट्रायंगल में इस वाले एंगल को मैं थीटा ले रहा हूं, किसको? इस वाले एंगल को मैं थीटा ले रहा हूं। तो जब हम एंगल चेंज करेंगे ना, तो हमारा परपेंडिकुलर बेस भी चेंज हो जाएगा। देखिए 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। अब ये थीटा हुआ तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका भी ख्याल आपको रखना होगा। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस की पहचान करनी है, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि किस एंगल की बात कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो एंगल सी जिस एंगल की बात करेगा, उसके सामने वाला साइड क्या होगा? उसका अपोजिट साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। बच्चों इस केस में ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, लेकिन इस कंडीशन में परपेंडिकुलर कौन बन गया? ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो आप देख रहे हो कि परपेंडिकुलर बेस चेंज कर रहा है, लेकिन फिक्स कौन रह रहा है? हाइपोटेनस। मतलब हाइपोटेनस फिक्स रहता है और परपेंडिकुलर बेस चेंज करता है, और वो किस पे डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर बेस एंगल पे डिपेंड करता है। जिस एंगल को लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और बाकी बचा बेस। तो इतनी बातें आपको समझ में। अब देखिए, छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बच्चों, कितने? छह। अब मैं वन बाय वन की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, ठीक है ना, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। और इसको इसका फुल नेम मैं लिख रहा हूं, इसको ऐसे लिखते हैं साइन, एस आई एन, साइन थीटा, और इसका एब्रिविएटेड फॉर्म होता है एस आई एन थीटा, साइन थीटा। ये इसका फुल नेम है, और ये इसका एब्रिविएटेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म इसका, और यही ट्रेडिशन में होता है, इसी का हम लोग यूज करते हैं। आर एस में ये बड़ा वाला नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, तो किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या बोला गया? साइन थीटा। और साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। ये ऐसा एज्यूम किया गया था, एजम्पशन था, ठीक है ना, कि किसी राइट ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चों, वो है कोसाइन थीटा। क्या है? कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस थीटा को डिफाइन किया गया किसी राइट ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या बोला गया? कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? बी अपॉन एच। उसी तरह से बच्चों जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। ये सब इनके फुल नेम है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। टेंजेंट थीटा, और इसका एब्रिविएटेड फॉर्म होता है टेन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखिए तो इसके बाद आता है आपका कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, ठीक है ना। कोटेंजेंट थीटा को बच्चों हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। क्या बोलते हैं? कॉट थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू बी अपॉन P, and this is equal to B upon P. देखिए ये cot theta जो होता है tan का उल्टा होगा। देखिए tan theta क्या है? P by B, तो cot theta क्या हो गया? B by P हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका
सेकेंड थीटा, सेकेंड S-E-C-A-N-D सेकेंड थीटा, जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म है सेक थीटा, क्या है सेक थीटा, और सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा बी बाय एच है, तो सेक थीटा कितना होगा एच अपॉन बी होगा, सेक थीटा कितना होगा एच अपॉन बी। उसी तरह से बच्चों साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, जिसको लिखा जाता है कॉसेकेंट, कॉसेकेंट थीटा, और जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म होता है कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी, कॉसेक थीटा कितना होता है एच अपॉन पी। तो देखिए ये छह बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ऐसा एजम्पशन किया था लोगों ने, ऐसा एजम्पशन किया था कि किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन थीटा बोला गया, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को कॉस थीटा बोला गया, और परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को क्या बोला गया टेन थीटा बोला गया। इसके बाद देखिए, अब अगर आपको ये भी याद है तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। टेन का उल्टा क्या होगा बच्चों कॉट, तो अगर टेन थीटा पी बाई बी है तो कॉट थीटा होगा बी बाई बी। उसी तरह से cos थीटा b / h है तो cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec को मैं क्या लिखूंगा h upon b, और sin थीटा p / h है तो sin का उल्टा क्या होता है cosec, तो cosec थीटा होगा h upon p। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में। अब देखिए यहां पे जरा देखिए, यहां पे मैंने लिखा है कि cos थीटा इक्वल टू b upon p, तो बच्चों b upon p को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 upon p upon b लिख सकता हूँ ना, जैसे b upon p है तो इसको मैं इसको 1 upon p upon b लिख सकता हूँ ना, b ऊपर जाएगा तो बनेगा b upon p। अच्छा अब बताइए p by b कितना होता है, p by b अभी आपको बताया मैंने tan theta, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कि cot theta equal to कितना होगा 1 upon tan theta, cot theta कितना होगा 1 upon tan theta। ठीक है चलिए, तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे देखिए ये है p by b, मैं करता क्या हूँ कि इसके न्यूमेरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में, या फिर ऐसे सोचिए जैसे sin थीटा कितना होता है p by h और cos थीटा कितना होता है b by h, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों को भागो, दोनों को क्या करो डिवाइड करो sin और cos, जरा डिवाइड कीजिए sin थीटा को, देखिए मैं यहाँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो देखो बच्चों sin थीटा आपको पता है कितना होता है p by h और cos थीटा कितना होता है b upon h, देखिए h और h कैंसिल हो गए, ये कितना है p upon b, क्या है p upon b, मतलब बच्चों मैं p upon b को क्या लिख सकता हूँ, p upon b को मैं लिख सकता हूँ sin theta upon cos theta, तो this is equal to sin theta upon cos theta, क्या हो बच्चों sin theta upon cos theta। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। अब देखिए अभी मैंने लिखा कि sec theta equal to h upon b, अच्छा एक बात बताइए sec थीटा h upon b है लेकिन cos थीटा कितना है b upon h है, तो मैं h upon b को लिख सकता हूँ 1 upon b upon h, ये लिखना गलत है क्या 1 upon b upon h, तब ना ये h ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा h upon b, और आपको पता है कि b upon h कितना होता है cos थीटा, तो यहाँ से आ गया this is equal to 1 upon cos theta, this is equal to 1 upon cos theta, मतलब देखिए फॉर्मूला है sec theta equal to 1 upon cos theta, इसको देखिए बच्चों cosec theta equal to h upon p है, तो मैं लिख सकता हूँ h upon p को 1 upon p upon h, और ये h क्या आ जाएगा ऊपर तो ये बनेगा h upon p, और आपको पता है p upon h कितना होता है sin theta, तो this is equal to 1 upon sin theta, ये कितना हुआ 1 upon sin theta। तो ये देखिए यहाँ से मैंने कुछ फॉर्मूलेस मतलब निकाला, यहाँ से मैंने कुछ फॉर्मूला निकाला, और इन सारे फॉर्मूलेस को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद करते हैं तब तक आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है देखिए मैंने सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताया साइन थीटा, देखिए याद कैसे करो, याद करने के लिए कोई ट्रिक किसी ट्रिक की जरूरत नहीं यार, बहुत सिंपल चीज है ये, ठीक है बस बकवास है ट्रिक वगैरह। देखो साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, मतलब किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन थीटा बोलेंगे, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को कॉस थीटा बोलेंगे, और परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टैन थीटा बोलेंगे, इतना क्लियर है सबको। अब जब ये तीन याद है तो आपको पता होना चाहिए टैन का उल्टा कॉट, तो अगर टैन पी बाई बी है तो कॉट होगा बी बाई, कॉस का उल्टा सेक, तो अगर कॉस पी बाई है तो सेक कितना होगा एच अपॉन, और साइन का उल्टा कॉसेक, तो अगर साइन थीटा पी बाई है तो कॉसेक थीटा क्या होगा एच अपॉन पी होगा। अब देखिए
यहां से एक रिलेशन निकल गया कि tan थीटा sin थीटा y cos थीटा बराबर होता है, तो ये भी फार्मूला याद रखिएगा कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा / cos थीटा। उसी तरह से बच्चों cot थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 / tan थीटा, ठीक है। अच्छा जब मैंने cot थीटा को 1 / tan थीटा लिखा, इसको जरा मैं इरेज करता हूं, ठीक है। जब मैंने cot थीटा को 1 / tan थीटा लिखा, तो एक बात बताइए, अब मैं क्या कर रहा हूं कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा / cos थीटा, तो मैं यहां लिख रहा हूं sin थीटा / cos थीटा, लेकिन मैंने tan थीटा लिखा, तो आप देखिए ये cos थीटा कहां जाएगा, ऊपर, तो ये बनेगा cos थीटा / sin थीटा, नहीं बना क्या cos थीटा / sin थीटा। मतलब यहां से देखिए tan थीटा क्या होता है, sin / cos, तो cot थीटा कितना होगा बच्चों, cos / sin, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला हो गया cos cot थीटा का, ठीक है ना, cot थीटा क्या होता है, cos थीटा / sin थीटा। ये तो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, sec थीटा इक्वल टू 1 / cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 / sin थीटा, ठीक है। अच्छा अब एक बात देखिए, यहां पे मैं फार्मूला लिख रहा हूं, अगर यहां पे cot थीटा इक्वल टू 1 / tan थीटा है, तो मैं इस tan को इधर ला, ये डिवीजन में इधर आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए यहां से एक रिलेशन आया कि cot थीटा into tan थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1, कितना होता है 1, cot थीटा into tan थीटा इक्वल टू कितना 1। उसी तरह से यहां पे देखिए sec का उल्टा क्या होता है, cos, तो इस cos को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो क्या होगा sec थीटा into cos थीटा इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 1, sec थीटा into cos थीटा इक्वल टू कितना होगा 1। उसी तरह से cosec थीटा इक्वल टू कितना बच्चों, 1 / sin थीटा, तो मैं क्या बोलूंगा cosec थीटा into sin थीटा इक्वल टू कितना होगा, cosec थीटा into sin थीटा इक्वल टू कितना होगा 1। तो देखिए बच्चों ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेस थे जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये बेसिक फॉर्मूलेस है, ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग है यहां से, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, इसको आप इसे आपको सीखना पड़ेगा और ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको याद करिए, आसान है, देखिए कुछ बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल है यार, जो इसको याद कर लेना, बस इन तीनों को याद रखना है, इन तीनों को याद रखोगे तो ये सब तो लिख लोगे, अच्छा इनको लिख लोगे तो ये लिखना तो और आसान हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेस थे ट्रिग्नोमेट्री के, अब मैं इन पे एक आप क्वेश्चन कराता हूँ छोटे छोटे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर पर, तो आप इसको नोट करिए, कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए बाबू, तो अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है ना, इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पहले अच्छे से इन सारे फॉर्मूलेस को याद करिए, ठीक है ना, क्योंकि इन फॉर्मूलेस को याद करना बहुत जरूरी है, और ये ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक है, इससे जीरो लेवल ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन सारे फॉर्मूलेस को याद करिए, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में, देखिए मैं ये इंट्रोडक्शन क्लास था, मैं इसमें इतना ही कवर करूंगा, अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक बातें मैंने बताई वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई।